अभी चलते हैं दो दो की तरफ, यानी कि किसी का अगर इंडिविजुअल ईयर यानी कि पर्सनल ईयर टू हो जाता है, टू में मैं यानी कि मैं पहले ही 1, 2, 3, 4 के बारे में जो जो भी कही हूँ, जिसका जैसा कैरेक्टर रहता है वही कैरेक्टर आ जाएगा। तो जनरली पर्सनल ईयर पे क्या हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल ईयर टू आ गया तो ये साल क्या होगा, कैरियर के लिए नहीं, ये साल लव के लिए है, रोमांस के लिए है। आप अगर आपका मैरिज हो करना चाहते हैं तो ये साल करें तो आपका इजीली मैरिज हो सकता है। तो ये मैरिज का है, फैमिली का है, रिलेशनशिप का है एंड लव का है। तो ये साल आपको यही लाइन पे ही आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर कैरियर के बाद देखेंगे, ये आपको अगर आपका इंडिविजुअल पर्सनल ईयर टू आ जाता है तो आपको कैरियर के बदले आपको लव, रिलेशनशिप, फैमिली, मैरिज, इसी में आपको फायदा मिलेगा। और आप स्पेंड यही कामों में ज्यादा, यानी कि आप आपका कैरियर के लिए जितना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसी में स्पेंड करेंगे। लेकिन और एक फायदा है, हम कब ये रिलेशन को ज्यादा देते हैं इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास सब कुछ होता है। तो इसका मतलब है आपके पास कुछ ना कुछ होगा, आपको रियलाइजेशन अंदर से होगा, नहीं मुझे फैमिली के लिए ये इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो इसीलिए आप दे सकेंगे। तो ऐसे देखे में ऐसे अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ पार्शियली हमें हमें इफेक्ट देता है कि ये साल अच्छा है। तो टू जिसका भी पर्सनल ईयर 1 होगा वो उसके लिए अच्छा है, 2 होगा उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये 2 नंबर क्या होता है, यंग का है, यानी कि बैठने वाला है, लाइफ को स्लो डाउन कर देगा। 2 नंबर स्लो डाउन का है, स्लो डाउन कर देगा, प्रोग्रेस नहीं देगा, लेकिन जो भी आप कुछ रिलेशन पे है उसको स्टेबिलिटी बना के रखेगा, उसको अच्छा रिलेशन में कर देगा। आपका न्यू इमेजिनेशन आएगा, आपको मन होगा कुछ पढ़ाई करने के लिए, यानी कि रिसर्च हो दे सकता है, आपका मन करेगा कौन से चीज में, कौन से एक स्टडी में उसको इंटीरियर जाने के लिए। तो ऐसे में भी ये 2 नंबर बहुत अच्छा करेगा। सो यहाँ पे 2 के लिए और एक बात बता दूं कि नया प्रोजेक्ट अगर करना चाहते हैं ये साल नहीं कीजिए, ये डिले देगा, डिफिकल्टी देगा। 2 नंबर मुझे मालूम है ये डिले का होता है, यानी कि 2 खुद अगर मैरिज पे होगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट हाथ में लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं करेगा वो। तो कौन सा नंबर क्या देता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पहचानना पड़ेगा। रिलेशन के लिए तो आगे बढ़िए, लेकिन अनदर कुछ प्रोजेक्ट के लिए उसको एनालाइज कीजिए कि ये आगे जाके मेरे लिए क्या दे सकता है, उसके ऊपर पढ़ाई कीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। यही साल इसी का है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टिंग करने का ये नहीं है। अभी चलते हैं 3 नंबर की तरफ। मैंने 2 के लिए क्या कही थी कि आपको कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, तो आपको उसी के बारे में पढ़ना है, उसी को सोचना है कि क्या हो सकता है। तो अभी ये पूरा 3 पलट गया, यानी कि आप अगर कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जिसका भी पर्सनल ईयर एंड इंडिविजुअल ईयर 3 होता होगा होगा 2021, तो वो 2021 हो 22 जो भी मैं ईयर बोल रही हूँ, अगर आपका पर्सनल ईयर इंडिविजुअल ईयर आ गया 3, तो आप जो आपके माइंड पे था, मन में था कि नहीं मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, तो वही काम आप आपका पर्सनल ईयर 3 पे कर सकते हैं। ये और एक बात इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, ये जब आप कौन सा भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटीरियर में बात बता रहे हैं, आप कुछ काम स्टार्ट किए, यानी कि 3 नंबर एक्सपांशन का, यानी कि आपका स्टार्ट हो रहा है, आपने कुछ काम को आगे बढ़ाए तो ये अभी एक्सपांड होगा। एक्सपांड का मतलब जब कुछ जॉब या कुछ आपका वर्क एक्सपांड हो रहा है तो आप खुद भी एक्सपांड हो रहे हो, आप खुद भी एक्सप्रेस हो रहे हो दूसरे के आगे। खुद ये बात को सोचिए, गहराई के साथ सोचिए। आपका कुछ प्रोडक्ट अगर बाहर जा रहा है तो इसका मीनिंग है कि आप खुद भी बाहर जा रहे हो, आपका एक्सप्रेशन जा रहा है। आप खुद मेरी बात ले लीजिए, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं जो भी बोल रही हूँ उसके साथ मेरा इंटीरियर का एक्सप्रेशन भी जा रहा है मेरे साथ। तो मैं कैसे, तो मैं यही बात बता रही हूँ कि आपका थॉट्स, आपका एक्सप्रेशन, आपका इंटीरियर सब इसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ भी नेगेटिव भी दे सकता है, कुछ भी पॉजिटिव भी दे, ये साल एक्सपांड भी करेगा, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, लेकिन आपको
उसको ठीक ढंग से देखना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं, वार्ड्स हो या कुछ भी हो, मैं मेरी बात बोल रही हूँ, वार्ड्स हो, दूसरों की बात प्रोडक्ट हो, तो इसी में आपको सोचना होगा कि लोग वही प्रोडक्ट को देख के उसमें से अच्छा सोच रहे हैं या उसको बुरा सोच रहे हैं। तो ये नंबर 3 का है। नेक्स्ट,